हेलो एंड प्रॉपर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कॉगन ग्रास काट रहे हैं। कॉगन ग्रास को हम लोग ईदू में इसको आको बोलता है। इसको हम लोग रूफ बनाने के लिए, लोकल हट का रूफ बनाने के लिए काट रहे हैं। आको को काट लेने के बाद हम लोग इसको 5 to 6 days तक ड्राई होने के लिए रखिएगा। ड्राई हो जाने के बाद सबको एक साथ में कलेक्ट करके फिर इसको हम लोग जब रूफ बनाते समय तब यूज़ करेंगे इसको। पहले ज़माना में कोकोन ग्रास का ही ज़्यादा यूज़ होता था छत बनाने के लिए, लेकिन आजकल सभी लोग टीना यूज़ करता है तो इतना यूज़ नहीं होता है आजकल कोकोन ग्रास का। ब्रेक टाइम कहीं से परेशान गर्म बारिश भी है, धूप भी आ रहा है, तो परफेक्ट कम्बिनेशन है करने का। और देखो पहाड़ ऊपर बादल बादल से बारिश आता ही है, इसमें पानी में तो नहीं आ रहा है, बस हमको विलेज में आते आरोमो आरोमो तो खाना नहीं आती है, अच्छा आरोमो तो खाना वो पहाड़ का नाम आरोमो है। आरोमो आरोमो जब गुस्सा होता है तो बारिश आता है। आवा माची वाला आरोमो माची पानी को बोलता है। देखो बारिश ज़ोर ज़ोर से बारिश आ गया, बारिश भी है धूप भी है। और वो आरोमो का काम ऊपर टेंशन होने से बारिश ही बारिश आ जाता है, उस टाइप का नदी और पहाड़ का वजह से। उफ मज़ा आ गया क्या, बहुत मज़ा आ रहा है बोले लोगों का काम में। जी अबू है तो हाँ नानी कहाँ चला गया इसका मालूम है तो भी। इसका मम्मी ने आगे काट दिया था आंसू दीदी को, इसको काट दिया था आंसू दीदी को पाँव में काट दिया था। ये भी का मम्मी लोग ने फोटो अंदर में दम लिए। ये तो तुमको मरेगा होगा, नानी तो वापस नहीं आएगा होगा ना, ढूंढने आएगा होगा, ढूंढने आने से तो अच्छा बात है। रख देते हैं जंगल में तो रख दिया लिया। इसको सूखने देगा 3-4 दिन में, सबको सूखने देने के बाद फिर इसको लगाया जाएगा। कई मैं खा दिया के संदे भाई के संदे दिखाओ नानी का दिखाओ मैं इन मुझे ठीक से नहीं बनी नहीं आई है दाना भाई बनना है जी कब टाइम ना इधर नहीं भाई भाई पूरा का दी नु बेचे चल जाओ चे खुजली में खेले के सुन दो भाई।